स्ट्रेटो एमुलेटर की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम चलते हैं हमारे RPCS3 की तरफ। जितने भी आप शायद से वीडियो देखे हैं, किन्हीं में इनपुट ब्रिज नहीं यूज़ होने वाला है, तो मैं बता देता हूँ। देख लो, पहले मैंने ये लेआउट RPCS3 के लिए क्रिएट किया है, जो कि PS3 से इंस्पायर है। आज इसी वीडियो में आपको मैं मैपिंग और टेस्टिंग दोनों दिखाने वाला हूँ, तो बने रहना, आपके काम आने वाला है, वरना तो आप में इनपुट ब्रिज यूज़ नहीं होने वाला है। सबसे पहले RPCS3 0.28 में आपको ऊपर पैड दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको पूरा यहाँ पे ही चेक करना है, ये दोनों एक ही साथ में ऑन रखना, इनपुट ब्रिज प्लस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 सेकंड मिलेंगे हर एक बटन को ऐड कर मैपिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन ध्यान देना है, यहाँ पे मैपिंग हो जाने के बाद आपको नीचे सिंपली सेव कर लेना है। मैं आपके आगे ही कर रहा हूँ, पूरा मैंने रात को बैठ के इनपुट ब्रिज में लेआउट बनाया है, तभी जाके यानी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे बटन को जो भी मैपिंग जहाँ पे भी रखना हो सिंपली उसमें एडिट हो गए, जहाँ पे आपको इजी लगे टच करना वहाँ पे आप ऐड कर लेना। यहाँ पे अभी हम कुछ टेस्टिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी है, फैक्स एम्युलेटर के अंदर हमको इनपुट ब्रिज यूज़ करना है, तो चलते हैं स्ट्रेटो एम्युलेटर के पास। स्ट्रेटो एम्युलेटर टीम स्काईलैंड की तरफ से आया था, लगभग आया नहीं है, ना ही आएगा, डिसकंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी यूजू टीम को इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। सीट्रा के साथ साथ यूजू भी एमुलेटर हमारा जा चुका है। आज की डेट में इथर SX2 और डक स्टेशन भी शायद से ही मुश्किल से आपको इसके अपडेट या तो प्ले स्टोर पर मिलेंगे। अभी तो डक स्टेशन तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन आज की मॉर्निंग में इथर SX2 रिमूव हो चुका है। आपको रीज़न ऐसे कई सारे पता ही होंगे, क्योंकि अभी आगे क्या होगा, आगे कोई भी टीम इतना बड़ा स्टेप नहीं लेने वाली है, कोई भी कंसोल को लेके। इतनी बड़ी टीम जो वर्क करती है, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है जो भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उसमें एमुलेटर लॉन्च होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे PC में तो अवेलेबल ही है, लेकिन अभी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, PC में भी साथ ही ब्लॉक हो रहे हैं, शायद से टीम ही टेंशन में आ गई है। अभी एंड्रॉयड डिवाइसेस में ज़्यादातर की जितने भी एमुलेटर लॉन्च हो रहे हैं, नए हो चाहे ओल्ड हो, सारे पे सारे शायद से अभी मैंने पहले ही बताया था 2024 के आसपास लगभग ही बंद हो जाएंगे।